तो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है। जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टाटा, गया, मजा आए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को जो रहने वाला है, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ने से पहले फटाफट न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। न्यूक्लियस होता क्या है? जैसे कि आप सभी लोगों ने जाने थे, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने समझे थे कि एटम के बीचों बीच आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज मिला था, वो था न्यूक्लियस। एटम का रेडियस होता है 10^10 मीटर और न्यूक्लियस का होता है 10^-14 से -15 के अराउंड। न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन कहते हैं, उसके साथ साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जो सेम मास का होता है उसके जैसे। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल से जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं। 99% ऑफ मास ऑफ द एटम यही कंटेन करके रखता है। डिस्कवरी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे जिसमें उन्होंने बेरियम के न्यूक्लियस के अंदर बॉम्बार्डिंग करवा दिए थे अल्फा पार्टिकल की। तो उससे हमें पता चला कि अच्छा भाई, एक ऐसा स्पेसिफिक पार्टिकल और भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रल है और सेम मास का है जितना प्रोटॉन का है, लेकिन सिर्फ चार्जलेस है, ये याद रखना। तो आगे न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से और इसका मास यार प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगला देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या? न्यूक्लियस एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें कि आप लोग जब भी कह रहे हो कि यार टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो कहलाओगे कि न्यूक्लियस। उसकी जगह आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, इसको डिनोट करते हैं Z से। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब मैं कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। अगर तुमको न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालना है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अगला टर्म है न्यूक्लाइड। तो न्यूक्लाइड का मतलब ये कि अगर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस है, उसको अगर आप लोग उसके एटॉमिक मास और उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आप लोग का न्यूक्लियाइड कहलाएगा। अगला होता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप के अंदर यार याद रखना, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार के अंदर मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन के अंदर याद रखिएगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोमर्स के अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम है लेकिन एनर्जी स्टेट डिफरेंट होता है। ऐसे यार हर किसी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ, जैसे केजी है, ग्राम है, तो क्या हम लोग एटम को ऐसे मेजर कर सकते? नहीं। इसके लिए एक स्पेशल टर्म दी गई, वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU या U से डिनोट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 MU की वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 AMU की वैल्यू एनर्जी इक्विवेलेंस के फॉर्म में कितनी होती है। अगला होता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। न्यूक्लियस का साइज उसके रेडियस के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है। अरे न्यूक्लियस स्फीयर की तरह है, उसका रेडियस पता है तो भाई साइज पता कर सकते हैं ना। तो एक्चुअल में ये होता है रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसकी जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a^3 के, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आने पे आता है r0, जिसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10^-15 मीटर, जिसके थ्रू तुम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो। साथ में न्यूक्लियर की डेंसिटी निकालना है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कर दो, तो जहां से आप लोग के रिस्पेक्टिव वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आएगी वो आती है 2.29 × 10^17 kg पर मीटर क्यूब। और यही से हमें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो कितना ज्यादा हाईली डेंस है। इसके बाद अगला जो आप लोग का टॉपिक है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यहां पे आइंस्टीन भैया ये कहना चाह रहे हैं कि मास भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है E=mc² की इक्वेशन से। अगला टॉपिक होता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का मतलब ये कि जो भी ऑब्जर्व्ड मास आपने सोचे कि यार ये न्यूक्लियस का मास तो इतना होगा, बाद में जब कैलकुलेट करके पता लगा चला कि अरे नहीं इतना नहीं इतना है, मतलब उसमें जो घपला आया, मतलब मास में जो घपला आता है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड के बीच में, वो कहलाता है मास डिफेक्ट, जिसको डेल एम से डिनोट करते हैं। मान लो आपके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, उसका आप लोग को वेट करना है और उसका बना हुआ है एक न्यूक्लियस का वेट करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वेट ज्यादा आएगा एक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। आप बोलोगे भैया न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू तो दोनों में बराबर है, लेकिन जब वो बनते हैं तो उस टाइम पे एक्चुअल में मास का डिफेक्ट होता है, मास का घपला हो जाता है, उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है दोस्त? मास डिफेक्ट होता है कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। तो कैलकुलेटेड मास कितना होता है उसका एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी वैल्यू को आप लोग रख दोगे यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल एम विच इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, दैट इज द ऑब्जर्व्ड मास। अगला टॉपिक है आप लोग का न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स मतलब कि देखो यार, जो भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बाइंड करके रखे हैं वो न्यूक्लियर फोर्स के फॉर्म में रखे। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसके थ्रू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अगला होता है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब क्या कि स्पेसिफिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आप लोग उसके न्यूक्लियस से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे जो एनर्जी लग रही है वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। या आप लोग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे भी जो एनर्जी लगेगी वो है बाइंडिंग एनर्जी। और वो होती कितनी है? ई विच इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। और डेल एम क्या है? मास डिफेक्ट। उसकी वैल्यू रख दोगे तो आप लोग के पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक होता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि यार एक हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में, और वाइस वर्सा इसमें हो जाता है, इसमें लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियस बना देते हैं। इसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। इसमें जो एनर्जी जनरेट
होती है ना, मतलब जहां से न्यूक्लियर फिजन की खत्म होती है वहां से यार फिजन में, फ्यूजन में चालू होती है। फिजन नेचुरली अकर नहीं हो सकती, फ्यूजन नेचुरली अकर हो सकती है। फिजन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक न्यूट्रॉन को हिट कराने की देरी है। इसको यार स्टार्ट कराने के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत है। एटॉमिक बम न्यूक्लियर फिजन में वर्क करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में वर्क करता है हाइड्रोजन बम। तो यहाँ से हमारा चैप्टर की समाप्ति होती है। आई होप आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आ चुका होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के दिन मैं एक स्पेशल सा सेशन लेकर आने वाला हूँ 8 PM को, जहाँ पे मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवरअप करवाने वाला हूँ क्लास 12th फिजिक्स के। तो ज्वाइन जरूर करना, लाइव सेशन रहने वाला है। और कल के दिन आपका एग्जाम है तो उसमें 18 मार्क्स के आपके MCQs आने वाले और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जरूर आइएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले लाइव सेशन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरा कोड यूज करिएगा ZAKI, क्लास आपकी एनरोल हो जाएगी। स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। भैया पे भरोसा रखो, क्लास पे आओ, बहुत मजा आएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्स रहो, मेरे स्टूडेंट्स मेरी जान। बाय 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 टाटा गया, मजा आए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।